पार्ट सी करते हैं क्वेश्चन वन का। सी बिल्कुल आसान है पहले वाले में से। अब वो कहता है कि एक्स अप्रोचेज टू नॉर्मल, म्यू की वैल्यू जो फाइंड होती है वो है 20, और दूसरी जो होती है वो होती है सिग्मा स्केयर मतलब वेरिएंस की। अब उसने कहा एक्स अप्रोच करता है नॉर्मल को, जब एक्स प्रो जी अप्रोच करता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कितना होता है? 0, और वेरिएंस 1। अब एक्स अप्रोच कर रहा है जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल है, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, हमने इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब ये म्यू की वैल्यू है 20, सिग्मा स्केयर की जो है वो 25 है, ठीक है, हमें चाहिए सिग्मा, इसका स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर रूट लेने से 5 आ जाएगा इधर, और ये हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों वैल्यू हमें यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहले में कहते हैं कि बिलो 30, ठीक है, जब बिलो कह दे आपको पता है लेस देन का साइन यूज़ करना है, जब अबाव कह दे तो ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है। पी इंटू एक्स लेस देन 30, इसको हमने जी में कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में, ताकि हम इसे फर्दर एक्सप्लेन कर सकें। एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा लेस देन 30 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 20, डिवाइड 5 पे करना है, ये जी में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 में से 20 माइनस करें 10 आता है, उसको 5 पे डिवाइड करें तो 2, ठीक है। अब लेस देन की जब बात आए तो फाइव ऑफ ए, एक वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, 2 की रो में देखना है, 0 0 के नीचे आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मेरे पास आ रही है 0.97725। ओके, जब अबव की बात कर दी तो मैंने आपको पहले एडवांस में बता दिया है, अबव 30 कह दिया, तो आपने ग्रेटर देन का साइन यूज, जब अबव की बात हो जाए तो आपने ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। अब अबव का है तो एक्स ग्रेटर देन 30, इसको हम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करके जिस तरह हमने पिछला किया है फर्स्ट पार्ट इसी का, उसी तरह कर लेना है। मैं करता हूँ इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है व्हेन एक्स एक्स रेंजेस बिटवीन 32 30 एंड 42 के बिटवीन रेंज करता है, तो आपने डायरेक्ट लिख देना पी इंटू एक्स, ये लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है, 42 से छोटा 30 से बड़ा, तो रेंज हमारे पास आ जाती है। अगर मैं 42 इधर लिख लूँ तो पता लगेगा कि 42 से बड़ा 30 से छोटा, 30 से छोटे आ जाएंगे तो 42 से बड़े कोई रेंज ही नहीं बनती, ठीक है, 42 से छोटा 30 से बड़ा ये रेंज बन जाती है। तो इसे भी आपने इसी तरह जी में कन्वर्ट कर लेना है, 42 माइनस म्यू कर देना है, ठीक है, ये एक्स में इसे आपने म्यू माइनस कर देना है और इसे सिग्मा पे डिवाइड कर देना है। म्यू माइनस करता हूँ, म्यू की वैल्यू है हमारे पास 20, डिवाइड करता हूँ सिग्मा पे जो है 5, 30 में से भी 20 माइनस कर देता हूँ, उसे डिवाइड 5 पे कर देता हूँ, ठीक है, ये बन जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी। 30 में से 20 माइनस करें 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आंसर पहले भी आ चुका है, 42 में से 20 माइनस करें 22 आता है आंसर, 22 को अच्छा 5 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है मेरे पास 4.4। ओके, ठीक है, जब रेंज आ जाए तो आपको पता है फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, फाइव ऑफ बी बड़ा होगा फाइव ऑफ ए से, फाइव ऑफ बी कितना हुआ 4.4 माइनस फाइव ऑफ 2, 4.4 की रो में देखना है आपने, 0 0 के नीचे आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी 0.999 माइनस 0.97725, ठीक है,
तो आंसर आ जाएगा 0.0274, यही रिक्वायर्ड आंसर है। आप मैं सोच रहे होंगे मैंने पहला पार्ट क्यों नहीं किया, पहला पार्ट मैंने इसलिए नहीं किया, वो ज़रा मुफसल हो जाना था और इससे बिल्कुल अलग हो जाना था। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट वैसली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने